शीलता से अन्य जो समारोह जो का आयोजन करते हैं उसमें भी चर्चा करें। सड़क दुर्घटनाओं की कमी लाने के लिए पेरेंट्स आपको छोड़ के जाएंगे, पर मेरी गारंटी है 5 मिनट बाद वापस आएंगे, हेलमेट लेंगे, आपको साथ लेंगे और चलेंगे। माँ बाप किसी को नहीं करते, मान के चलिए आप। अगर मैं घर से 5 मिनट निकल जाए, मेरे बच्चे घर पे बैठे, वो सिर्फ काम अधूरे रह जाएंगे। निकल गए यदि प्राण, काम अधूरे रह जाएंगे। सुरक्षित रहकर भी कर पाओगे कुछ काम। सड़क सुरक्षा के नियमों का हलपल रखे ध्यान। सड़क सुरक्षा के नियमों का हलपल रखे ध्यान। जीवन वापस नहीं मिले। अरे मेरे बाल खराब हो जाती दोनों की, हमारे बाल की वजह से। गति सीमा का ध्यान रखना, यातायात नियमों व चिन्हों आदि का प्रयोग करना, वाहन का सुदृढ़ीकरण। आज 29वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का जो आयोजन किया गया कॉन्फ्रेंस हॉल में, इसमें एडीएम साहब, एडिशनल एसपी और आरटीओ साहब, परिवहन विभाग के अधिकारीगण और उदयपुर शहर के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं वो, स्कूलों के बच्चे, उनके पदाधिकारीगण और ट्रैफिक पुलिस, शहर के सारे थाना अधिकारी यहाँ पर आए। इसमें सड़क सुरक्षा से संबंधित जो 7 दिन तक प्रोग्राम चलेंगे उनके बारे में चर्चा की गई और जो सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही है उनमें क्या कमी लाई जा सकती है, क्या उस पर कंट्रोल किया जा सकता है, उसके बारे में बताया गया। और ये जागरूकता अभियान और इसके जो प्रोग्राम है वो 7 दिन तक अगले यहाँ चलते रहेंगे और इसमें सभी पुलिस विभाग, परिवहन विभाग के साथ अब अन्य विभिन्न एजेंसियों और जनता को भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। अभी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 29वां मनाने जा रहे हैं हम लोग। पूरे भारतवर्ष में ये 23 तारीख से 30 तारीख तक मनाया जाएगा। हालांकि वर्ष भर हम कार्यक्रम करते रहते हैं लेकिन इस सप्ताह में हम इंटेंसिफाई कार्यक्रम करेंगे जिसमें प्रमुखता से बच्चों में जागरूकता, आम जन में जागरूकता और लोगों को अवेयर करेंगे किस तरह से रोड एक्सीडेंट से बचा जाए, क्योंकि रोड एक्सीडेंट से प्रतिवर्ष राजस्थान में लगभग एक शहर समाप्त हो रहा है। इतनी भारी संख्या में रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इतनी भारी संख्या हमारी जनहानि हो रही है। ऐसे में हम सभी विभागों की और आम जन की भागीदारी से ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जैसे जैसे हम जागरूक करेंगे लोगों को, जैसे जैसे एजुकेशन का प्रभाव बढ़ेगा वैसे वैसे रोड एक्सीडेंट में कमी आएगी। और ऐसा हमारा प्रयास पिछले साल से चल रहा है और पिछले 2 सालों के दौरान रोड एक्सीडेंट्स में आई कमी भी शायद इसी का एक परिणाम है। और आगे हम रोड इंजीनियरिंग, एजुकेशन और एनफोर्समेंट, इन तीनों चीज़ों को बराबर भागीदारी से इन रोड एक्सीडेंट्स में कमी लाने का प्रयास करेंगे। और इस सप्ताह के दौरान हमें विशेष तौर से एजुकेशन पे ध्यान देंगे जिसमें जो बच्चे हैं स्कूल्स के उनको टारगेट करेंगे और जो आम जन है उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित करने का हमारा प्रयास रहेगा।